नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों हिंदी के प्रश्न उत्तर, जी हाँ दोस्तों, हिंदी के जितने भी अभी तक के एसएससी जीडी में पूछे गए हैं प्रश्न, वो सभी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों इन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न अभी तक 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबका कलेक्शन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चन है वो मिल सके। और क्योंकि देखो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं एग्जाम में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखे बिना एग्जाम देने प्लीज मत जाइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों तक जा सके। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे आज शाम में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं इसका पहले क्वेश्चन से, उससे पहले, और जो भी हमारे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल-पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों 14 फरवरी की पहले शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो दो वीडियो में किया गया है, तो इन दोनों वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, और करंट अफेयर की क्लास पर डे आप देखा करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। दोस्तों हम आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों पे, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था 11 तारीख को, तो ये होता है दोस्तों, कुबेर का होता है धनेश कह सकते हैं, धनाधि कहते हैं, और कुबेर खुद एक तो पर्यायवाची है ही, तो इसका पूछा गया था कि कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पे धन भी हो सकता है, धनेश भी है और धनाधि भी है, नोट कर लीजिएगा। कृतज्ञ का विलोम पूछा गया था, कृतज्ञ कि कृतज्ञ का विलोम यानी कि उसका अपोजिट वर्ड पूछा गया था, तो ये होता है दोस्तों उसका कृतज्ञ, नोट कर लीजिएगा कृतज्ञ होता है। और अनुज का विलोम पूछा गया था, अनुज यानी कि छोटा, तो इसका होता है अग्रज यानी कि बड़ा। आदान का विलोम पूछा गया था, ठीक है, तो आदान का होता है उल्टा प्रदान, कहते हैं ना कि आदान प्रदान कर ले यानी कि लेन देन कर ले, तो आदान का विलोम होता है प्रदान, नोट कर लीजिएगा। एक मुहावरा पूछा गया था कि आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, ठीक है। और अगला एक था प्रश्न कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिजली जो है यानी कि जो आप लोग देखते हैं ना, बिजली चमकती है, तो बिजली का पर्यायवाची होता है दोस्तों चपला, चंचल या तड़ित, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है अपने शिफ्ट में। और अगला प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना, यह मुहावरा था, इसका पूछा था क्या होगा, तो अंगूठा दिखाना यानी कि सीधा सीधा मना कर देना, ठीक है, तो ऑप्शन में था मना कर देना, तो आंसर आपका सही था बिल्कुल यहां पे। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो दोस्तों ये पूछा गया था 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट में कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो सूरपति या देवराज, ठीक है, सूरपति या देवराज कहते हैं इंद्र को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 11 तारीख को, तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, अपना दोस्त दूसरों को देना, अपना दोस्त दूसरों को यानी कि अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरे के ऊपर मढ़ना है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चलिए इसका आंसर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची होता है धनंजय, पार्थ, पार्थ नहीं एक्चुअली पार्थ होता है, ठीक है, पार्थ, और गुणाकेश यानी कि गुणों से भरा हुआ, ठीक है, अर्जुन जो है उनके ये पर्यायवाची नाम थे। चलिए पर्यायवाची नाम उनके नहीं थे, इसका पर्यायवाची मतलब होता है अर्जुन का, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक मुहावरा था कि अंधे के हाथ बटेर लगना के यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे दोस्तों बिना प्रयास किए किसी वस्तु को पाना, ठीक है। सपोज बहुत लोग कहते होंगे अपने दोस्तों में ही कि किसी चीज़ को अगर पा लिया है उसने बिना किसी कोई मेहनत किए हुए, या फिर किसी की नौकरी लग जाती है बिना किसी, ये तो कभी होता नहीं है, बिना मेहनत किए किसी की नौकरी नहीं लगती है, पर ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो बिना किए उनकी मेहनत किए नौकरी लग भी जाती है, तो वो यहाँ पे मुहावरा सूट करेगा कि अंधे के हाथ देखो बटेर लग गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, बता रहा हूँ मैं, ऐसी एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और भी प्रश्न है यहाँ पे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है कि योग्य का विलोम पूछा गया था, तो योग्य का विलोम होता है अयोग्य, ठीक है। और बुढ़ा खाली जगह को लेकर परेशान है, तो बुढ़ा जो है अपना बुढ़ापा को लेकर परेशान है, यहाँ पे ये प्रश्न था, तो ये एक फिल्म द ब्लैंक्स का था, तो इसमें थोड़ा सा देखना था आपको कि क्या यहाँ पे भर सकते हैं। ऑप्शन में था बुढ़ापा, जवानी और बचपन, और एक और कोई ऑप्शन था, ठीक है, तो यहाँ पे बुढ़ापा था, क्योंकि बचपन से बूढ़ा क्यों परेशान होगा, ठीक है, तो यहाँ बुढ़ापा होगा आंसर, राइट है। हीम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, तो ये होता है दोस्तों ओस, पाला
या तुषार, ठीक है, इसको बर्फ भी कह सकते हैं हिम को, ठीक है। तो जो भी उसका इनमें से आंसर रहेगा आपका वहां पे ऑप्शन में, तो इन चारों में से कोई एक लिख सकते थे। शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध है। शुद्ध का विलोम तो अशुद्ध होता है, क्रय का विलोम तो विक्रय, क्रय और विक्रय आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी। उल्लू बनाना ये एक मुहावरा था, यानी कि मूर्ख बनाना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, चलिए यहां पे आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी या अमीश। गीता खाली जगह मधुर गाना गाती है, खाली जगह है यहां पे मधुर आ जाएगा क्योंकि गाना मधुर ही गाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन में मधुर था इसलिए मधुर इज द राइट आंसर। कृपाल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो ये देखिए तलवार होता है, चंद्रहास होता है, खड़ग होता है, ठीक है। वहीं पे कृपण का विलोम पूछा गया, तो ये होता है दानी, नोट कर लीजिएगा। कृपण और कृपाल, कृपाण दोनों में अंतर है, ठीक है। तो कृपण का विलोम होता है दानी, ओके। अब अगला हमारा जो प्रश्न है कि शुद्ध शब्द करना था उत्कृष्ट का, तो ये उत्कृष्ट देखिए एक ही जैसा यहाँ पे लिखा गया है, ठ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ट होता है, ठीक है, उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है, ओके। चलिए तो बिल्कुल सही है यहाँ पे आंसर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया, अब उत्कृष्ट का विलोम शब्द पूछ लिया गया, ये अगले सफी में यानी कि 12 तारीख के क्वेश्चन में आया हुआ था, तो ये होता है दोस्तों नितकृष्ट, ठीक है। और कोलू का बैल होना, ये पर्यायवाची पूछा गया था, ये अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष। जो कभी बुढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, ये 13 तारीख में पूछा गया था। आंखें खुलना तो सच का पता लगना। व्यवस्था का शुद्ध वर्तनी क्या था, तो व्यवस्था होता है, व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। और ये सभी प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, आपके आने वाले जो भी एग्जाम है ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को देख के जाना क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र का विलोम पूछा गया था, तो देखिए गणतंत्र होता है यानी कि जनता का तंत्र, यानी जनता जनता का देश, यानी कि उनकी आज़ादी स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ होता है इसका उल्टा राजतंत्र, यानी कि राजा का शासन। और अंग अंग टूटना यानी कि थक जाना, परेशान होना, ठीक है, कहते हैं ना कि यार अंग अंग टूट गया है, मतलब कि थकान हो चुकी है उनको, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि काग का पर्यायवाची, तो काग का पर्यायवाची होता है दोस्तों कौवा, या पायस कहते हैं कौवे को। हाथी का पर्यायवाची पूछा गया, तो इनको गज कहते हैं, गजराज कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं, साउथ में जाओगे तो थोड़ा सा ये संस्कृत वर्ड है कुंजर। कलेजा फटना, कलेजा फटना का यहाँ मुहावरा पूछा गया, तो घबरा जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। चलिए आगे और भी प्रश्न है, यहाँ देखते हैं। उदय का विलोम पूछा गया है दोस्तों, उदय का विलोम है अस्त। बादल का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसमें कि मेघ होता है, पयोध होता है, पयोदर होते हैं। और कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो ये कृतज्ञ होता है, दोबारा रिपीट किया गया प्रश्न है, ये प्रश्न आपको 11 तारीख को भी पूछा गया है और 13 तारीख को भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जिसे जाना ना जा सके उसे हम कहते हैं अनजान, मतलब जिसे जानते नहीं है उसे अनजान ही कहते हैं। सर पर तलवार लटकना, मुसीबत सामने आना, ठीक है। और आकाश का पर्यायवाची पूछा गया, तो ये है गगन, नभ, अंबर। अगला प्रश्न है कि परोक्ष का विलोम पूछा गया, परोक्ष का विलोम है अपरोक्ष, नोट कर लीजिएगा। जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं अनाथ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और हिम का पर्यायवाची पूछा गया था, तो हिम देखिए दोबारा रिपीट हुआ ये प्रश्न, क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे दोस्तों, इतना तो है एसएससी के पास की क्वेश्चन नहीं है कि हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न आपको दे सके, कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10% तो आपका क्वेश्चन टाइप करेगा ही करेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग जीके जीएस में देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला है प्रश्न शुद्ध का विलोम, तो अशुद्ध फिर से आ गया, देखिए इसका बर्फ भी होता है, ठीक है, वो हिम का। क्रय का विक्रय, शुद्ध का ये वर्तनी करना था, देखिए शुद्ध वर्तनी करना है कुआं का, तो कुआं पे अ पे जो होता है वो चंद्रबिंदु होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न थे यहाँ पे जो कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के शिफ्ट में टोटल पूछे गए थे, 11 से लेकर
13 फरवरी के, और आज का यानी कि 14 फरवरी का जितना भी हिंदी का क्वेश्चन है वो हम अभी सेकेंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और शाम को जो टोटल 100 क्वेश्चन का तीनों शिफ्ट का मिला के जो हम वीडियो देते हैं उस वीडियो में भी बहुत सारे हिंदी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा मैं 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख का भी साथ में एक बार आपको हिंदी का सारा वीडियो कलेक्ट करके दे दूंगा। तो ये पूरा हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक 11 से 13 तक का था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।